गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक्सरसाइज 7.5 तक हमने आपको करा दी थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7.6, इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, फ्रैक्शन का हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 7.6। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड। क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन ए, 4 डिवाइडेड 1/4। देखिए सबसे पहले नंबर हमने क्वेश्चन लिखा 4 डिवाइडेड 1/4। अब देखिए कि हमारा है ना ये क्वेश्चन है ना, यहां पर सिर्फ 4 है और यहां पर डिवाइडेड क्या है, 1/4 है। ये हमें फ्रैक्शन में दिया है और ये अभी फ्रैक्शन में नहीं है, इसको हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, फ्रैक्शन में तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। तो हम इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसके नीचे 1। ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 4/1 ऐसे कैसे लिख देंगे, डिवाइड को किस में चेंज कर देंगे, क्रॉस में। और जब डिवाइड को क्रॉस में चेंज करते हैं तो ये डिजिट क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी, रूल्स है। तो 1/4 की जगह क्या हो जाएगा, 4/1। अब इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 4 16, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 16। और अपन में 1 × 1 करेंगे तो 1 16, अपन क्या जाएगा 1, बल्कि कभी का कोई नीचे साइज नहीं होता है बाद में, तो हम क्या लिख देंगे अपने ना 16। क्वेश्चन नंबर 7.6 का क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर भी चेक कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ए 16 राइट, चेक कर लिया। ऐसे ही काम आपको एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं। 3 डिवाइडेड 7/3, वही मेथड है। 3 के नीचे हम क्या लिख लेंगे, सपोज कर लेंगे, मान लेंगे 1, डिवाइड का डिवाइड और 7/3। तो 3/1 डिवाइड किस में चेंज होगा, इंटू में। जब डिवाइड को इसमें चेंज करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा। 7/3 किस में चेंज हो जाएगा, 3/7 3 3 9 और 7 7 तो हमारा आंसर आ गया 9/7। इसको भी देख लेते हैं। हाँ, 9/7 करेक्ट आंसर। ये आपको सिलेबस में नोट करना है, एक्सरसाइज 7.6। और जो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है वो हम आपको और समझा देते हैं। अभी तो ये हमने भी किया क्वेश्चन, इस साइड से आपको क्वेश्चन है। अब आप फ्रैक्शन क्या है ना, डिवाइड मेथड वही हुई है और लिखना चेंज होता रहेगा, हमारी फ्रैक्शन चेंज जाएगी, कहीं डिजिट फ्रैक्शन में जाएगा, कहीं प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा, बस उसको ही हमें चेंज करना है। एक क्वेश्चन और है 2 डिवाइडेड, डिफरेंट टाइप है क्वेश्चन, वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। 2 डिवाइडेड 1/1/2 ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करते हैं। सबसे पहले तो 2 है तो 2 के बीच हम क्या मान लेंगे, 1 डिवाइड का डिवाइड। अब इसको फ्रैक्शन को सिंपल बना लेंगे, 2 बन गया 2 और 2 में वैल्यू किया तो कितने हो गए, 3/2। ये हमने आपको पहले क्वेश्चन करा के फ्रैक्शन में उसमें बताया था, जब आपको ऐसे फ्रैक्शन आता है और हमें उनका ऐसी वो प्लस माइनस करना पड़े तो हमने बताया था उसको, इस वजह से करते हैं 2 बन जा 2, इसका इंटू करते हैं इसमें और जितने
2 बन गया 2 और 2 में 1 को प्लस किए तो कितने हो 3 अपॉन 2 और इसके नीचे भी हमने क्या सपोज कर लिया 1 बस वही वैसे 2 अपॉन 1 डिवाइड किसमें चेंज हो रहा मल्टीप्लाई में और 3 अपॉन 2 का क्या कर देंगे उसको उल्टा कर देंगे तो 3 अपॉन 2 का क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 अब ऊपर ऊपर का इनटू कर लेंगे और नीचे नीचे का 2 2 जा 4 और 3 बन जा 3 तो हमारा आंसर आ गया 4 अपॉन 3 ठीक है। आगे की जो क्वेश्चन है वो हम आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। फिर हम आपको नेक्स्ट टाइम करवाएंगे एक्सरसाइज 7.1। ओके स्टूडेंट एंड गुड बाय।